झाड़ी पानी कोलुखेत मार्ग की दुर्दशा और वहां पर कई लोगों के चोटिल होने के बाद अब तक मार्ग की मरम्मत नहीं की गई है और मार्ग में बड़े बड़े पत्थर और नालियां बन गई हैं, जिससे कि हर समय दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। बताते चले कि इस मार्ग से सैकड़ों की संख्या में दोपहिया वाहन आवाजाही करते हैं और मुख्य रूप से स्थानीय लोग ही इस मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विगत 4 वर्षों से इस मार्ग का बुरा हाल है और अब तक दर्जनों लोग इससे चोटिल हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है और बरसात में यह मार्ग और भी खतरनाक हो गया है। बताते चले कि मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग के बंद होने पर इसी मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है और यह वैकल्पिक मार्ग के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस मार्ग की दुर्दशा होने से यहां पर चलना दुभर हो गया है और लगातार दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसी को लेकर आज समाजसेवी प्रदीप भंडारी के नेतृत्व में इस मार्ग पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया और नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया गया है कि विगत 4 वर्षों से इस मार्ग की सुध नहीं ली गई है और अब यह मार्ग जोखिम भरा हुआ है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदीप भंडारी ने बताया कि उन्होंने कई बार इस बारे में नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो विवश होकर उन्हें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है।